मौसम ने किया हिंद के मुझको दिलगीर, पहुंचा दे मुझे वक्त तो बागे कश्मीर। बेताब हूँ परदेश की गर्मी से मैं, तो सुबह वतन की अब दिखा दे तनवीर। आज हम भी तारीख के अवराक पलट कर देखेंगे, हमारे माजी का रोशन बाप देखेंगे। कहते हैं फारसी जबान 14वीं सदी से तकरीबन 750 साल तक कश्मीर की सरकारी जबान रही है, और इस वजह से कश्मीर को ईरानी सगीर भी कहते हैं। कश्मीर में कई फारसी जबान के कदावर शायर और अदीब गुजरे हैं, मगर आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उसका कद बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा। शायर, मुफक्किर, तख्लीकी सलाहियतों के आलाकार मोहम्मद ताहिर गनी अशाई, 17वीं सदी के दौर के बुलंद पाया फारसी जबान के शायर, अपने मखसूस अंदाज के तौर पर जाने जाते थे। मुगलिया सल्तनत के दौरान 1630 में पैदा हुए। कहते हैं उनका आबाई नाम गनी कश्मीरी कंधारी था, जबकि उनका कलमी नाम गनी कश्मीरी था। राजौरी कदल के इसी इलाके में उन्होंने अपनी बुलंद परवाज शुरू की, और यहीं गनी कश्मीरी ने मोहसिन फानी से तिब, अदब और फलसफा सीखा। इसी जगह पर उनका मस्कन था, और यहीं उनकी जिंदगी ने रोशन सितारे की मानिंद वादिया जन्नत को अदब और सकाफत में एक खास मकाम बख्शा। बरसगीर के इस मायनास फारसी शायर की शोहरतों को सरहदें कायद न कर पाई। इनकी जुदागाना शायरी ईरान, तूरान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में काफी असर रखती थी। ईरानी इन्हें बरसगीर के अमीर खुसरो जैसे आला शायरों की फहरिस्त में शुमार करते थे। वो मुतद्दिद माने वाली शायरी की तख्लीक करने के लिए फारसी जबान का इस्तेमाल करना खूब जानते थे। मीर तकी मीर, इकबाल, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जैसे कदावर शख्सियतें भी गनी कश्मीरी की अदबी सलाहियतों से काफी मुतासर थे। आजकल अदब की तरफ हमारी बेगानगी ने हमारी सकाफत को दफन करके रख दिया है। हमें अपनी सकाफती विरसे को जिंदा रखना है। यहां की हुकूमत ने भी राजौरी कदल में गनी कश्मीरी के नाम से स्टेडियम तामीर किया है। ये यहाँ के नौनिहालों के लिए बेशक कीमती सरमाया है। एक पब्लिक लाइब्रेरी, गनी मेमोरियल लाइब्रेरी एंड रीडिंग सेंटर के नाम से तामीर की गई। ये वही जगह है जहाँ गनी कश्मीरी की रिहाइश गाह थी। गनी कश्मीरी उस खास शेर शोसमत, मशहूर शेर शोसमत یوسم چھ تیم سن زریہ ہائش گا یہ چھ بنیم مست تہ طریقہ اس پر تہ طرز طریقہ اس پر یم سات گنی کشمیر پان یہ بسان چھ اس میں یہ چھ فارسی اس من بلند ترین اکشیر یوس کشمیر اس من مان نہ چھ اس مت یوان گنی کشمیر اس مطابق چھ یہ کہ تہ مشہور ز دپان یم وز مگن سو تم اس ملنے ا تہ تم یہ چھ اس مت دیگر ٹائم یوت دیگرش بانگ چھ گمس تہ تم چھ اک وٹے اکتی بونس اس چھ لاکوٹ کوٹ چھ تات من نماز دنوی ادا کرمسن تو تم گمت سٹھا خوش کہ سلطان عارفین آوا مے نش پز پٹھ تو اکوٹے پر اس نماز۔ ہم پورے جہاں میں اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور ہو گئے، ہم قلم کی زبان سے سفر کرتے رہے۔ اس دنیا کے گلشن میں میرے جیسا شیری سخن کوئی نہیں، نیشکر کی طرح میرے سخن میں ہزاروں گانٹھے ہیں۔ غنی اپنے اشعار کا صلہ کیوں کسی سے لے گا، यही काफ़ी है कि उसके अशार ने सारे आलम को अपनी गिरफ्त में लिया है। गनी कश्मीरी के बारे में ये मशहूर है कि जब वो घर से बाहर होते थे तो घर का दरवाज़ा खुला रखते थे, और जब घर के अंदर होते थे तो दरवाजे पर ताला चढ़ा लेते थे। जब किसी ने उनसे ये सवाल किया तो कहने लगे कि मेरे घर में तो कीमती असासा मैं ही हूँ, इसलिए घर के अंदर होता हूं तो ताला चढ़ा लेता हूं।
और जब घर से निकलता हूँ तो तहफ़्फ़ुज़ के लायक घर में कोई चीज़ नहीं रहती। गनी कश्मीरी ने शहनशाहों के कसीदे कभी नहीं पढ़े, उनकी तारीफ में कुछ नहीं कहा, बल्कि किस्सा तो ये मशहूर है कि औरंगजेब ने गनी कश्मीरी को दरबारी शायरी बनने के लिए बुलाया तो था, मगर उन्होंने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। कहते हैं एक दिन उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और कासिद को यह कहकर वापस भेज दिया कि अपने शहंशाह को बताओ गनी पागल हो गया। कहते हैं इस वाकये के फकत 3 दिन बाद गनी कश्मीरी की मौत वाकई हुई। तकरीबन 40 साल की उम्र में 1669 को इस दारुल फानी से रुखसत हुए। गनी के कदम इन कोचों से बारहा गुजरे होंगे, मगर आज उनके कदम वापस घर की तरफ नहीं जा सकते। यहां चंद अबाई लोगों से गुफ्तगु हुई तो दिल आजूरदा लगे। उनकी शिकायत थी कि गनी कश्मीरी के मकबरे की दीवार को खस्ता होने का अंदेशा है, क्योंकि इस मकबरे की बुनियाद के साथ काफी पानी जमा रहता है और जो पानी यहां जमा है वो किसी ड्रेन से नहीं बल्कि मकबरे की दूसरी तरफ की दीवार के साथ बह रहा है। उनकी बस ये इल्तिजा थी कि इस पानी की सही तरीके से निकासी मुमकिन बनाई जाए ताकि मकबरा सही हालत में रहे और मकामी बाशिंदों की राहदारी भी आसान हो। अस्सलाम वालेकुम, असि राजे कदल सवाद साहब आस्थान निशन अर्ज करान बुजर्ग अब्दुल गनी मेमोरियल स्टेडियम हिंदिस नावस पे बने आमुत तुम सदा थे पाई कैसे बुजर्ग यमो किताब ते लिखमत तो लिहाजा इंज पारवी खतर अमे शेर पार खतर गसन कोशिश इंशाल्लाह लगातार रोजन अच्छे बाज वक्त आसान हून ते आसान अच्छे नापकी आसान गमुस बल्कि यथ ब्रोट कन अस पत कल अस पांचन शन घर आब ते वसान उतथन यह सनान अथस ऊर तो लिहाजा यहन गोस ना चूंकि हज पाए बुजर्ग अगर इन मकरार ओर आब वे यह गोस नसन अम स बिल्कुल अत नुकसान वातान बे महलस तमु नुकसान। गनी कश्मीरी को यहीं दफन किया गया है, अपने ही इलाके में, अपनी ही मिट्टी में, अपने घर से थोड़े ही फासले पर उनका आखिरी मस्कन है। वो दर्द मिला जिसने किया मुझको तबाह, ऐ काश मेरी उम्र भी होती कोता। तकलीफ तो महलिक नहीं, सदमा ये है, ता मर्ग हमेशा ही रहेगा हमरा।